हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉग्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, काफ़ी कॉमन टॉपिक है, बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉलिकी पेन, या कि पेट में मरोड़ उठना छोटे बच्चों के, जो कि काफ़ी कंसर्निंग इश्यू होता है सभी पेरेंट्स में। तो क्यों होता है, क्या कारण होता है, कैसे ठीक किया जाए, तो उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा ही मानसी ने बताया कि आज ये बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है कोलिक के बारे में। और ये क्यों इतना यूज़फुल है, क्योंकि कोलिक पेन जो होता है ये मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्स को, 40-50% ऑफ बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो एज ग्रुप होता है, मोस्ट कॉमनली जो ये होती है, शुरुआत होती है इसकी बच्चे के दूसरे से तीसरे हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है, और ये 4-5 महीने तक चलती है। नॉर्मली एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम होती है, 5-6 महीने के बाद बच्चा खुद से इसको ठीक करना शुरू होता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा चलना शुरू कर देता है या मूव करना शुरू कर देता है, क्रॉल करना शुरू कर देता है, तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसको हम लोग सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अभी हमें ये पहचानना कि कॉलिकी पेन एक्चुअली होता कैसा है, कैसे पहचाने कि ये बच्चे को पेट में मरोड़ उठ रही है या जो एब्डोमिनल कॉलिक बच्चों को हो रहा है, क्या इसके साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि एक अदरवाइज़ एक नॉर्मली बच्चा जो हेल्दी होता है, एक्टिव अलर्ट होता है, ठीक से फीड कर रहा होता है, ये उनमें होता है सडन ऑनसेट क्राई होती है। बच्चे अचानक से रोने लगते हैं, स्टेबल हैं, फीड करके लेटे हुए थे और अचानक से रोने लगते हैं। काफ़ी हाई पिच क्राई होती है, इसमें बच्चे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। इनको शांत कराना या इनको कम्फर्टेबल कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इनको अगर फीड भी कराने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कई बार हमें लगता है कि बच्चा भूखा है तो बच्चा नहीं चुप होता है, इनकॉन्सोलेबल क्राई करता है, तो और ये हमारे साइंस होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो है कि बच्चा बहुत मुंह सिकोड़ता है और ग्रिमेस, या हम लोग कहते हैं फ्राउनिंग जैसा फेस बनाएगा। साथ साथ बच्चे का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। हम लोग क्लियर कट ये मेक कर सकते हैं कि बच्चा प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है, और मुंह सिकोड़ने के साथ साथ बच्चा दोनों मुट्ठियां टाइटली बंद करके अपना जो टोन है हाथ पैर को वो अकड़ सकता है उस समय के लिए। तो ये तीनों चीज़ें भी जनरली बच्चे को जब कोलिक पेन होता है तो प्रेजेंट करते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं टोन बढ़ा लेते हैं अपनी बॉडी की। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा शरीर को तान लेता है, हाथों पैरों को स्टिफ कर लेता है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि मुट्ठियों को भींच लेता है। ये सब लक्षण होते हैं जब बच्चे को कोलिकी पेन होता है। तो इस पे ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम सिर्फ अकेला नहीं होता, जैसे हमने 8-9 पॉइंट्स बताए कि क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन की तरीके से प्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ अकड़ रहा है तो हम उसको कोलिक पेन कहेंगे, बच्चे को इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम होगी। और इसलिए ये सारी चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इनको एक कॉम्बिनेशन में लेना ज़रूरी है। ये जो कोलिकी पेन होता है, जो पेट में मरोड़ उठती हैं, इनका एक एक टाइम होता है। जनरली ये एक सिमिलर पैटर्न ऑफ टाइमिंग्स के साथ शुरू होता है। अक्सर ये होता है कि बच्चे दोपहर में लेटे लेटे अचानक से दर्द की वजह से रोने लगते हैं, या शाम के वक्त पे बच्चे अचानक से रोने लगते हैं। मेडिकली हम लोग कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये कॉलिकी पेन ही है, तो उसके लिए हम एक रूल ऑफ थ्री को फॉलो करते हैं कि अगर किसी बच्चे में ये जो पेन है, जो कि अचानक से उठ जा रहा है एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे में, जो कि दिन में 3 घंटे से ज़्यादा के लिए हो रहा है, फॉर मोर देन 3 आवर्स अ डे, और ये हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, और ये एट अ स्ट्रेस 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए हो रहा है, तो इसको हम रूल ऑफ थ्री बोलते हैं। और इससे हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ, बच्चे को कॉलिकी पेन या इन्फेंटाइल कॉलिक हो रहा है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने हमने साइंस और सिम्टम्स बताए वो और भी बीमारियों में बच्चे को मिल सकते हैं, तो कुछ उनमें से मिस ना हो इसलिए हमें ये सब क्राइटेरियाज़ को फॉलो करना होता है या इनको ध्यान में रखना होता है। अब आते हैं कि कोलिक होता क्यों है। तो कोलिक का मतलब क्या है कि पेट में एक मरोड़ सा होना, और ये इसकी जो मेन वजह है वो होता है एक्सेसिव गैस। जब भी बच्चों का जो मेन डाइट होता है वो मिल्क बेस्ड डाइट होता है, बच्चे 6 महीने तक सिर्फ दूध पीते हैं, तो नेचुरल सी बात है जब दूध ज़्यादा पियेंगे वो पेट में जाके डाइजेस्ट होता है और उससे बहुत सारी गैसेज और एयर निकलता है, और इसी की वजह से कोलिक पेन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो 2 मेन वजह होती हैं, एक कि बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा पहुँच रही हो, या गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो या फिर निकल नहीं पा रही, निकलने में दिक्कत हो रही हो उसी गैस को, तो बच्चे कोलिक पेन की तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जो कोलिकी पेन होता है ये सभी बच्चों में बराबर तरीके से होता है, चाहे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, माँ का दूध पी रहा है, या फिर बच्चा फॉर्मूला फीड पे है, चाहे वो टर्म बेबी है, समेत पे पैदा हुआ है, या वो प्री टर्म बेबी है,
या चाहे वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो सभी में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला फीड की वजह से या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो चीज़ ज़्यादा हो जा रही है। तो गैस ज़्यादा बनने की जो मेन वजह होती है, एक तो है कि बच्चा अगर ओवर फीडिंग कर रहा है, नेचुरल सी बात है दूध ज़्यादा जाएगा तो गैस ज़्यादा बनेगी, या अंडर फीडिंग कर रहा है, अगर बच्चा भूखा ज़्यादा देर तक रह रहा है तो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसकी वजह से भी गैस प्रोड्यूस होती है। ये हमने अपने आप में भी फील किया है कि अगर हमने बहुत देर तक भूखे रह जाए तो पेट गुड़गुड़ करता है। तीसरी चीज़ होती है कि बच्चा दूध पीते वक्त या दूध पीने से पहले बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसके वक्त भी दूध पीते के साथ साथ भी बच्चा अगर रो रहा है तो बहुत सारी गैस जो है वो इंजेस्ट करता है और वो कोलिक की तरीके से बाद में प्रेजेंट करती है। तो ये तो चीज़ें, ये कारण हो गए कि क्यों गैस, कब गैस ज़्यादा बनती है। दूसरी वजह ये है कि गैस कब मतलब निकलती कम है, तो अगर बच्चे को हम जो बर्पिंग कराते हैं, बच्चा फीड कर लेता है, कई बार एयर सॉलो भी करता है, तो अगर हम उसको कंधे से लगा के थपथपी जिसको दिलवाना होता है उसको हम बर्पिंग बोलते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से और सही समय तक नहीं कराएंगे तो उस कारण से भी बच्चे को पेट में हाथों में गैस बनी रह जाती है, जिसकी वजह से कॉलिकी पेन होता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर बच्चे को आपने सुपाइन पोस्चर में फीड कराया है, मतलब बच्चे को लेटा के दूध पिलाया है, उस कंडीशन में भी कि बच्चे की गैस एडिक्वेटली बाहर नहीं आ पाती है, तो अगर बच्चे की गैस को निकालना है तो पहले तो हम बर्पिंग बच्चे को तरीके से कराएं, कंधे से लगा के रखें 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक, थपथपी देते रहें उसकी पीठ पे, उसके कूलों पे टैप करते रहें। इसके अलावा बच्चे को फीड कराएं तो उसको अपराइट पोस्चर में सीधा रखें, हेड ऊपर की तरफ हो और पैर नीचे की तरफ हो, उस वजह से जो गैस बनने का या गैस रिटेन करने का एक जो रीज़न हो सकता है ये, वो कम होगा और बच्चे को कॉलिकी पेन का जो इंसिडेंस है वो कम होगा। फाइनली एक रीज़न जो और हो सकता है, बच्चों में कुछ बच्चों में कॉलिकी पेन ज़्यादा होता है तो कई बार बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी भी होती है, कई बच्चे मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते, कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस या बाकी मिल्क के कंटेंट से एलर्जी हो सकती है, इस वजह से बच्चों में कॉलिकी पेन होता है। तो ये चीज़ इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसके लिए जनरली आप लोगों को किसी पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो अब ये हम लोग जानने के बाद कि कैसे पहचाने, क्यों होता है, अब अगली बात आती है कि हम बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों की हेल्प करें। उनमें सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आप लोगों का समझना ये चीज़ ज़रूरी है, आप लोगों को रीअश्योर करना हम लोग चाहेंगे कि जो ये कॉलिकी पेन होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। हमने ऊपर भी स्टार्टिंग में बताया था कि ये जनरली 2 से 3 हफ्ते पे शुरू होता है और 4 से 5 महीने पे जाके खुद से ही रिजॉल्व कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। पेरेंट्स के लिए कंसर्निंग होता है, बच्चा लगातार रोता है तो आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको दिमाग में रखना है कि ये समय के साथ धीरे धीरे खुद से ठीक हो जाएगी। तो जैसा बोला कि किस वजह से गैस ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है, हम उन वजहों को हटा दें, तो बच्चे को एडिक्वेटली फीड करवा के रखें, बहुत देर तक भूखा ना रखें, बच्चे को जब भी दूध पिला रहे हैं तो बच्चे की पोजीशन अपराइट रखें, मतलब कि उसका जो चेहरा या मुंह है वो छाती से हमेशा ऊपर होना चाहिए, बच्चे को फीड के बाद बहुत अच्छे से बर्पिंग या डकार ज़रूर दिलाएं। कई पेरेंट्स ये मिस कर देते हैं क्योंकि जल्दी में होते हैं, जिसकी वजह से कोलिक हो सकता है। पीठ पे थपथपी दे सकते हैं और कूलों पे टैप कर सकते हैं, भी एयर बाहर आ जाती है। तो ये सारी वजह जो है, हम लोग को ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली कोलिक का जो इंसिडेंस है बच्चे में वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक कोलिक की मसाज होती है बच्चों में, जो कि अगर हम दिन में 4 से 5 बार कराएंगे तो बच्चों को उससे आराम मिलता है और ये जो पेन है या मरोड़ हैं ये कम हो सकती हैं या हो सकता है पूरी तरह आप ख़त्म कर दें। तो इनमें एक स्टेप तो ये होता है कि आप बच्चे के अब्डोमेन पे सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में, ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज मोशन में ही करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना होता है। ये कैसे करते हैं हम, जिस तरह घड़ी चलती है दाएँ से बाएँ तरफ आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे जेंटली मसाज करना होता है बच्चे की नाभि के चारों तरफ। और दूसरा एक मेथड होता है इसके अंदर, जो दूसरा स्टेप होता है मसाज में, जिस तरह एडल्ट्स में आप लोग योगा में सुनते होंगे कि पवन मुक्त आसन होता है जिसमें हम अपने हिप्स जॉइंट्स पे और नी जॉइंट पे फ्लेक्शन करते हैं, तो उससे कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि गैस बाहर आ जाती, उसी तरह हम अपने छोटे बच्चे को भी नी जॉइंट पे, जो घुटने हैं और जो हिप जॉइंट हैं, जो कूल्हे का जॉइंट है, उस पर हम फ्लेक्स कर दें, उस पर मोड़ दें और फिर एक्सटेंड करें। ऐसे हम 10 से 12 बार अगर इसको स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बच्चे की गैस बाहर निकल सकती है। तो ये कॉलिकी मसाज के स्टेप्स हैं, आप इनको भी करके बच्चे को इस मरोड़ से या कॉलिकी पेन से आराम दिलवा सकते हैं। और फाइनली अगर ये सब कुछ करने के बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से हेल्प लें। इसके लिए कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती हैं, वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। इनमें से एक जो बहुत कॉमनली पहले के टाइम में यूज़ होता था वो ग्राइप वाटर है। हम ग्राइप वाटर का नाम ले रहे हैं लेकिन इस
में एक चीज़ समझनी है कि ग्राइप वाटर एज अ सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना है, ग्राइप वाटर एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीसेंट रिसर्चेज जो आ रहे हैं उनमें ये चीज़ देखा गया कि कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें कि गैस निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है, एंटी एसिड होता है और एंटी फ्लैटुलेंट होता है, तो उसमें ये इसकी वजह से ग्राइप वाटर एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन में सिमेथिकॉन और फिनेल सीड ऑयल होते हैं वो उनकी मेडिकेशंस आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं बच्चे को रिलीफ दिलाने, लेकिन पहले आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके तभी मेडिकेशन शुरू कीजिएगा। तो आई थिंक हिमांशु, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो बच्चों के पेरेंट्स को रहते हैं कोलिक पेन को लेके या पेट में दर्द को लेके वो क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो अभी मन में आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं और इससे ये चीज़ रहेगी कि एंड जो लास्ट मैसेज वो यही रहेगा कि कोलिक पेन एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है और इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द होगा लेकिन वो समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट्स करें। थैंक यू।